आज का टॉपिक है CSS इफेक्ट्स ऑन ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन एलिमेंट्स। सबसे पहले वेल नोन ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन एलिमेंट्स की लिस्ट देख लेते हैं। अब जरा इनपे CSS स्टाइल लगा के बिहेवियर चेक कर लेते हैं। जल्दी से अपने वेब पेज को कोई टाइटल दे देते हैं। हर बार की तरह एक HTML एंड CSS फाइल बना के लिंक टेक्स्ट से लिंक करवा देते हैं। अब दो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग H1 एंड पैराग्राफ P। अब पैराग्राफ वाले एलिमेंट पे प्रॉपर्टीज लगा के देखते हैं। सबसे पहले बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अब इसमें नोटिस ये हुआ कि जो बॉर्डर है वो इंटायर वेब पेज विड्थ पे लग चुका है। अब इसको इंस्पेक्ट करने के लिए क्रोम डेवलपमेंट टूल ओपन कर लेते हैं, फिर एलिमेंट पे क्लिक करते हैं, फिर पी एलिमेंट जिसे इंस्पेक्ट करना है उस पर क्लिक करते हैं। अब नीचे वाली विंडो में मेन स्टाइल चेक करते हैं। इसे हमें एक बॉक्स मॉडल नजर आ रहा है जिसमें बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट की मार्जिन 16 पिक्सल है और बॉर्डर पे एक पिक्सल हम लोगों ने ही दिया हुआ है। अब मैं इसे लेफ्ट मार्जिन 10 पिक्सल दे देता हूं। आप नोटिस करेंगे कि बॉक्स लेफ्ट से 10 पिक्सल आगे चला गया है और क्रोम डेवलपमेंट टूल पे भी 10 पिक्सल शो हो रहा है। अब मार्जिन राइट भी 10 पिक्सल कर देते हैं। आप नोटिस करेंगे कि राइट साइड से भी बॉर्डर लाइन 10 पिक्सल अंदर आ गई है। अब मार्जिन्स को 20 पिक्सल करके देखते हैं। अब बॉर्डर को 2 पिक्सल करके थोड़ा मोटा कर देते हैं। बॉर्डर के अंदर वाले हिस्से में स्पेस देने के लिए पैडिंग यूज करते हैं। लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल का स्पेस दे देते हैं। अब टॉप पैडिंग 20 पिक्सल करके देखते हैं। एक अहम चीज नोटिस करें कि बॉर्डर की पोजीशन फिक्स्ड रही पर टेक्स्ट नीचे आ गया। अब बॉटम पैडिंग 20 पिक्सल कर देते हैं। अब यही सारी प्रॉपर्टीज इनलाइन एलिमेंट पे यूज करके देखते हैं। इन CSS स्टाइल्स को कमेंट आउट कर देते हैं जो कि P पे लगे हुए हैं यूजिंग कंट्रोल प्लस स्लैश। P के टैग को भी कमेंट आउट कर देते हैं इन index.html फाइल। एक नया इनलाइन एलिमेंट स्पैन बना देते हैं। अब CSS में 1x1 प्रॉपर्टीज लगाना स्टार्ट कर देते हैं। यू विल नोटिस के बॉर्डर वहीं तक लगा हुआ है जहां तक कंटेंट लिखा हुआ है। अब इसको बॉक्स मॉडल में भी चेक कर लेते हैं। अब मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी पेस्ट कर देते हैं। अब मार्जिन राइट की प्रॉपर्टी पेस्ट करते हैं और चेंज बॉक्स मॉडल पे मॉनिटर भी करते जाते हैं। अब पैडिंग लेफ्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई करके बॉर्डर के अंदर स्पेस दे देते हैं। अब टॉप एंड बॉटम के लिए भी पैडिंग लगा देते हैं। यहां पे नोटिस करने की बात यह है कि कंटेंट की पोजीशन फिक्स रही पर बॉर्डर ऊपर एंड नीचे चला गया। हालांकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में बॉर्डर फिक्स थे
अब राइट पे भी पैडिंग दे देते हैं। अब पैडिंग टॉप बढ़ा के बॉर्डर को मॉनिटर करते हैं। नोटिस कि ये एलिमेंट अब ऊपर वाले एलिमेंट पे ओवरलैप हो गया। हालांकि अगर यहां पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता तो ओवरलैप ना करता। इस एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना के देख लेते हैं यूजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब ये नीचे भी आ गया और बॉर्डर भी पूरी वेब पेज विड्थ तक अप्लाई हुआ है। अब स्पैन एलिमेंट को ब्लॉक एंड इनलाइन दोनों की स्पेशल प्रॉपर्टीज दे देते हैं ताकि ये ओवरलैप भी ना करें और सारा वेब पेज भी कवर ना करें। अब एक और ऐसा बॉक्स इसके साथ लगा के देखते हैं। अब अगर डिस्प्ले को ब्लॉक लेवल कर दें तो दोनों बॉक्सेस एक दूसरे के नीचे आ गए, ऑलमोस्ट लाइक ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब अगर इनलाइन प्रॉपर्टी लगाएं तो ये पूरे इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव करेंगे। इस तरह से ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को इनलाइन एलिमेंट्स का बिहेवियर भी दिया जा सकता है। उसके लिए स्पैन को कमेंट आउट कर देते हैं और पैराग्राफ पी एलिमेंट को अनकमेंट कर देते हैं। अब इस पर डिस्प्ले इनलाइन की प्रॉपर्टी लगा के इनलाइन एलिमेंट वाला बिहेवियर दे देते हैं। अब पैडिंग टॉप 50 पिक्सल तक बढ़ा के देखते हैं कि ये इनलाइन एलिमेंट की तरह ऊपर वाले एलिमेंट पे ओवरलैप करता है या नहीं। कंक्लूजन, अब ये इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है।